बंधा टूट चुका है, ये बंधे की मरम्मत में किस तरह से भारी अनदेखी किया जा रहा है। पेड़ काट के बांस के सहारे बंधे का मरम्मत करने की सिंचाई विभाग द्वारा नाकाम कोशिश की जा रही है। हमारे साथ जो लोग राहगीर हैं, जिनका इस रास्ते से, इस बंधे से रोज का आना जाना है, वो लोग मिले हैं, हम इनसे जानकारी लेते हैं। भैया कहाँ जा रहे हैं, कहाँ के रहने वाले हैं? खालीगढ़ कर आने वाले, क्या नाम रनियापुर है? ये पारस। बंधा जो टूटा है, इससे बंधे के टूटने से लगभग कितने गाँव प्रभावित हुए हैं? अरे बहुत, 14 टोला मौजा है, सब परेशान है, बाढ़ में ये टूट बंधे का गया जो है। मरम्मत हो रहा है, भारी अनदेखी किया जा रहा है, पेड़ काट के, बांस काट के फिर मरम्मत किया जा रहा है। आज तो सिंचाई विभाग द्वारा कर दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद बंधा फिर टूटता है तो कौन जिम्मेदार होगा इसका? भाई सही बात है, सब जिंदा रहा पहले होंगे। कहाँ जा रहे हैं आप? रनियापुर चौराहा, रनियापुर जा रहा है, क्या करने जा रहे हैं? पलदारी हाँ, पलदारी। पलोदारी। ये कुछ राहगीर हैं, इनका कहना है कि जो है, यदि बंधा टूटता है, इसकी सारी लाइफ, जिस तरह से बंधा मरम्मत कराने में भारी अनदेखी किया जा रहा है, यदि बंधा फिर टूटता है, इसकी सारी जिम्मेदारी सिंचाई विभाग की होगी। हमारे साथ कुछ और राहगीर हैं, हम इसे जानकारी लेते हैं। क्या नाम है आपका चाची? अरे वो कहाँ जा रही हैं? अरे हम जाती वहां मानी पड़ल पर देखे जाते अच्छा, ये हैं। बंधा टूटा हुआ है, कितने दिन से टूटा हुआ है बंधा? ये बंधा तभी टूटा है, सोम को टूटा है, सोमवार को छह टूटा है। तारीख छह मतलब अच्छा, 6 बजे टूटा है। छह बजे हाँ, इस बंधे टूटने से कितने गांव प्रभावित रहेंगे? बंधा टूटने से बहुत गांव प्रभावित है। फसल हाँ, बर्बाद हो गए, पूरा कितने कितने पूरा कितने घर पर लगभग बहे हैं? ये बंधे से हम तो जानते हैं 200-400 मतलब गांव बह गए हैं। ये कौन सा नदी जा रही था? ये रोहिणी बसमनियो नदी रोहिणी है। नदी है। हाँ रोहिणी नदी ये है। टूटा बंधा तो लगभग कितने फसल बर्बाद हुए हैं? बहुत फसल बर्बाद हो गई ये है। सिंचाई विभाग द्वारा जिस तरह से बंधे की मरम्मत किया जा रहा है, ये भारी अनदेखी, बांस बल्ली के सहारे, लकड़ी के सहारे, इसके बारे में क्या कहेंगे? क्या कहेंगे, बांस से रुकेगा बंधा? बांस से थोड़ी रुकेगा। इसका बंधे मरम्मत, आप मान लीजिए इधर के रहने वाले, कैसे बंधा बांधा जाता है? बंधा बांधा थोड़ा ऊंच, थोड़ा ऊंचा मनता मट्टी है। से, हाँ मट्टी थोड़ा ऊंचा और रहेगा। मान लीजिए फिर अगर बंधा टूटता है, इसकी कितनी किसकी जिम्मेदारी होती है? अब सिंचाई विभाग का होगा और का। यहाँ के लोग जो है पूरी तरह सिंचाई विभाग से आजी जा चुके हैं, हर बार बंधा टूटता है। हाँ, हाइट थोड़ा कम है, थोड़ा ऊंचा और चाहिए और ऊंचा बंधा। चाहिए। हाँ बंधा, इनका कहना, जो यहाँ के जो राहगीर हैं, जिनका रोज का आना जाना, इनका कहना है कि जो बंधा मरम्मत हो रहा है, मरम्मत होने में भारी अनदेखी किया जा रहा है, लेकिन जो बंधा होना चाहिए मट्टी का होना चाहिए, और इसको थोड़ा सा और ऊंचा होना चाहिए, ताकि आने वाले समय में यदि भयावह बाढ़ की स्थिति होती है, जिससे ग्रामीणों को इससे बचाया जा सके और बाढ़। Yeah.